दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि, इन इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर, अच्छा, और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज कराया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना आप चाहूँ। बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक, कि जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मिहिर अभी भी ये डीमटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर फिजिकल। तो पहले आपको जाके डीमैट किसी में भी कन्वर्ट जो करना डिपॉजिटरी पड़ेगा, पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जा करके अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय के वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। तब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट।